तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये देखिए कितनी बढ़िया बारिश हो गई है। आज सुबह से उमस हो रही थी और गर्मी बहुत थी और बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है और ऐसी लगातार पड़ती रहे बारिश तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। तो बहुत गर्मी थी तो बारिश का आना, देखिए डोगी कहाँ बैठा हो बारिश से बचने के लिए, और दो डोगी ये बैठे हुए बारिश से बचने के लिए, दो अंदर भाग गए हैं। ये देखिए ये भी यहीं आ गया, तो यहाँ जगह नहीं है और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। ये देखिए पंचर हो गया, ये हवा निकल गई है। कल रात हम बाज़ार से आ रहे थे, सब लोग बच्चे भी थे, मैं भी था, तो ये इसमें हवा बिल्कुल पंचर की तरह हो गई थी स्कूटी। अब इसे दिखा के लाता हूँ कि इसमें पंचर है या हवा निकल गई। तो कल तो कैसे तैसे आ गए थे, अब कहीं ना कहीं जाना पड़ता है तो इसे सही करवा के लाता हूँ। अब आ गए हैं दुकान पे मोनू भाई की, तो चेक कर रहे हैं ये कि हवा कम है या पंचर है। और आज जाम बहुत लग रहा है, इधर देखिए कितना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक आ रहा है, पता नहीं कैसे जाम लगा पड़ा पूरा। हवा कम थी, देखिए कितना जाम लगा पड़ा, ई रिक्शा निकल रहे हैं। और ये देखिए इधर भी, और मोनू भाई चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पंचर तो नहीं है, है ना। देखे कितने दो पेंशन निकले इसमें, जो ये लगाते हैं, ये लग रहा पंचर, ये है पंचर। देखिए ऐसे लगेगा पंचर ये, पूरा अंदर चला जाएगा। ये लग गया पंचर ट्यूबलेस टायर का, अब दूसरा लगाएंगे। ये देखो इसमें से निकली है कील, ये कील निकली है इसमें से दूसरे पंचर में से। पंचर की तैयारी हो गई, दूसरा भी लग गया, पंचर लग गया और हवा चेक हो रही है पिछले टायर की और अगले टायर की, और चलते हैं। आज बारिश हो गई थी अच्छी, और लेकिन उसके बाद बंद हुई और उमस हो गई, फिर से गर्मी बहुत हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और बच्चे कह रहे हैं बारिश हो गई है तो थोड़ा मौसम बारिश का हो रहा है, तो वो यूँ कह रहे हैं कि हमें समोसे खिला दो, तो अभी चल के समोसे लेके आते हैं शॉप से। देखो पापा चीटी, पहले इसकी मम्मी जो दाल मंगा रही है दुकान से, दाल लेके आते हैं फिर समोसे लेके आते हैं। और देखिए इस पर इन्हें छाता खोल रखा है घर के अंदर ही, इसे बारिश लग रही है प्रांशु को। ये देखिए हमारा मारना शुरू कर दिया बेटा, चोट लग जाएगी, बंद कर दो। चलो फिर दाल ले आते हैं, फिर समोसे ले आते हैं। हमारे चाचा लगते हैं, इनकी दुकान पे आए हुए हैं शॉप पे, और अब हम ले रहे हैं दाल, मेरी दाल, मैं तो दाल ही भूल जाता हूँ बार बार कौन सी दाल है ये। उड़द की काली दाल, उड़द की काली दाल जो ये दे रहे हैं, चने की दाल बनेगी साथ में, चने की दाल, तो ये ले रहा हूँ मैं अभी, चने की दाल ला रहे हैं। लंगर वाली दाल, ये लंगर वाली दाल हो गई, ये लंगर में चलती है गुरुद्वारे में, ये बच्चों को भी पसंद है, हमें भी पसंद है, सबको पसंद है ये दाल। देसी घी और जीरा का, देसी घी का और जीरे का छोका लग जाए तो इनको ना स्वाद बन जाएगी, ये बढ़िया। तो दाल ले लिया है,
फिर चलते हैं बच्चों का सामान लेने समोसे। ये देखिए अभी समोसे ले रहे हैं हम और अभी बनेंगे। ये रखे समोसे, तेल गरम हो रहा है भैया, अभी गरम करके अभी बनाएंगे। हाथों हाथ गरम गरम लेंगे समोसे। मम्मी नहीं खा रही तुम्हारी, ये बच्चे भी आए हुए हैं साथ में, दोनों बच्चे। और ये फटाफट हो जाएगा, 10 मिनट, 5-7 मिनट में समोसे हो जाएंगे तेल में, फिर लेके चलते हैं घर। ये देखिए भैया डाल रहे हैं एक एक करके, सारे समोसे डाल देंगे इसमें। तेल गर्म हो गया, ये देखिए कैसे हो रहे हैं। भैया ने डाल दिए सारे समोसे, कुछ रख लिए हैं बाद के लिए, ये अभी डालेंगे, डाल रहे हैं। देखिए सारे डाल दिए समोसे, अब ये जब बन जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए हल्के हल्के से वो भुने वो हो गए करार करारे से, रंग आने लग गया इनमें, लाल लाल सा हल्का हल्का पकने का। बस थोड़ी देर और फिर भैया निकाल देंगे इन्हें जब जैसे ही बन जाएंगे। ये देखिए समोसे बन गए और बन के आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और भैया इस वाली परात में डालेंगे समोसे जब बन जाएंगे। ये डाल दिए भैया, भी आ जाओ समोसा खा लो। ऐसे करके भैया सारे समोसे निकाल देंगे। अब समोसे हम निकल गए हैं, अब इनसे समोसे लेते हैं भैया से। तो फ्रेंड्स अभी पापा उस वाली पप्पी को दूध पिला रहे हैं बाहर वाला, जिससे वो भी सीख जाए पीना। तो फ्रेंड्स देखो मैं झूल रहा हूँ झूला, तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यही भी एंड करते हैं। होप आप सबको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लगे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।